बस यार अब चलते हैं यहाँ से। मेरा यहाँ 1 मिनट भी रुकने को दिल नहीं कर रहा था। तेरा काम खत्म तो फौरन रवाना। हाँ मतलब दूसरों का कोई एहसास नहीं तुझे? क्या क्या एहसास? ओ तू उस औरत के खातिर यहां पर रुकना चाहता है? बकवास ना करें, तो फिर इस साफ हवा में कुछ सांसें ज्यादा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा तो यहां पर दम घुटने लगा है। मैं अब यहां 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहता। बहुत सेल्फिश है तू। हाँ ठीक है, मैं सेल्फिश हूं। मैं तुझे यहां अपने लिए लेकर आया था और अपनी ही खातिर वापस लेकर जा रहा हूं, तो फिर तू क्यों सेल्फिश बन रहा है? 2 दिन, सिर्फ 2 दिन। 2 दिन तो और किस लिए? कुछ और दरख, फूल, सब्जा, आबशार, चश्मे देखने? तूने 2 दिनों में मैं कितना टूट जाऊंगा ये तो सोच भी नहीं सकता। तो क्या हुआ, कौन सी नई बात है? हमेशा से यही तो होता आ रहा है तेरे साथ। नहीं फरदीन, इस बार मैं वाकई टूट गया हूं। मैं बिखर गया हूं। उस आदमी ने जिस तरह मुझको धुतकारा, मैं आसमान से जमीन पर गिर गया हूं। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये सब्जा, ये चश्मे, ये आबशार हैं, ये खूबसूरत नजारे, ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये सब मिलकर मुझे जला रहे हैं। मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। तुझे अगर यहाँ रुकना है तो तू रुक जा, लेकिन मुझे माफ कर दे, मैं यहाँ नहीं रुक सकता यार। तो उसे जाने दो, लेकिन तुम रुक जाओ। नहीं शीमा जी, अच्छा नहीं लगता है, वो दोस्त है, नाराज हो जाएगा। और अगर मैं तुम्हारे जाने पे नाराज हो गई तो? तुमसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है फरदीन, बहुत अच्छी। आपने जो मुझसे कहा वो मेरे लिए बिल्कुल उस पहाड़ की तरह, बुलंद और मजबूत, और वो मेरे लिए सबसे खूबसूरत पहाड़ जिसे मिलने में हमेशा आया करूंगा। पहाड़ तो मैं थी फरदीन, तुम्हारे आने से पहले। तुम्हारे आने के बाद मैंने खुद को इंसान महसूस करना शुरू किया, जो हंसता है, जो रोता है, जो ख्वाब देखता है, जो मोहब्बत कर सकता है। I don't know what to say. तुम क्या कहोगे? तुम्हें तो इतने अरसे में मुझे आपसे तुम कहना नहीं आया। चले मैं रुक जाता। तुम आओगी? यार
कितना टाइम लगेगा सर? कोई 10-15 मिनट तो मुझे दीजिए। ओके आजा। हाँ तो फिर कब पहुंचनी हो कराची? तूने बताया नहीं। क्या फर्क पड़ता है यार, क्या क्या नहीं किया उन्होंने मेरे और तेरे लिए। एहसान फरामोश, तेरे चचा को उसकी बीवी नहीं पूछती, सिर्फ तेरे लिए भुगतती रही है वो। जगह बना रही थी तेरे दिल में बेटा। हाँ वो तो उसने बना ली। अच्छा कौन सी जगह? जैसी एक दोस्त की होनी चाहिए। तुझे क्या पता कि एक दोस्त की जगह होती क्या है? जिसने जरा सी भी डिप्लोमेसी दिखाई, बिठा लिया उसको दिल में। तुझे जैसे बहुत पता है ना कि दोस्त की जगह क्या होती है। गुलमीना के अलावा और कुछ नजर आता है तुझे? क्या तू ये सोचता है? अगर मुझे गुलमीना के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देता ना, तो अभी तक मैं उसके साथ बैठकर डेटे मार रहा होता। और सीमा, सीमा तेरे दिल में मजीद जगह बना चुकी होती। सच बात तो यह है कि मैंने खुद को और गुलमीना को जानबूझकर पकड़वाया है ताकि मैं तुझे लेकर यहां से निकल जाऊं। तेरी खातिर मैंने गुलमीना की कुर्बानी दी है, वरना उसका बाप तो पकड़ भी नहीं सकता था मुझको। क्या क्या मतलब? देख फरदीन, गुलमीना तेरी बहुत इज्जत करती है और बहुत प्यार भी करती है तुझसे। नॉर्थ में रहती है ना, इसलिए बर्गर लड़कियों की तरह नहीं है जो गले मिलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके। ये उसी का प्लान था, उसी का प्लान था कि मैं और वो दोनों एक साथ पकड़े जाएं और मैं तुझे आसानी से यहां से लेकर निकल जाऊं, ताकि ये जो सीमा है, ये तुझ पर अपने प्यार के डोरे डाल लिए, अपने जाल फेंक रही है, ये कामयाब नहीं हो सके। और मुझसे का शौहर बच्चा है। क्या क्या बकवास कर रहे तुम? कितने बड़े गधे हो तुम, मुझसे पूछ तो लेते। अबे भाई क्या पूछ लेते, क्या पूछ लेते? ये आंटियां बहुत जहरीली होती हैं, नहीं मालूम तुझे? अर्शद मैं बच्चा नहीं हूं जो वो मुझे चुरा लेती। वैसे भी मैं यहां किसी और वजह से रुका। और कौन सी वजह? पता नहीं यार, मैंने उसे आज तक देखा तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत होगी, जिसे देखकर कोई भी अपना रास्ता बदल ले, कोई भी रुक जाए। आई थिंक ये वो लड़की। फरदीन बात सुन, फरदीन वो जगह सही नहीं है। फरदीन वापस आ जाओ यार। फरदीन सुनो, मैं तुम्हें सिर्फ एक बार देखना चाहता हूं, सिर्फ एक बार प्लीज। मुझे पता था तुम एक बार उस लड़की से मिलने यहाँ जरूर आओगे, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें उस लड़की से मिलवा दूँ। वो आप थे? हाँ तो और क्या। अच्छा सुनो, यहाँ पास ही मेरा गांव है, आओ ना एक दिन रुक जाओ। फरदीन, फरदीन फरदीन चल, जीप ठीक होगी, आजा। आज नहीं। क्या यार, चल
क्या कह रही थी तुम्हारी मोजना? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो तुम उसको यहीं बुला लो ना। वो और यहाँ आएगी? मुझे कम से कम 4 हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके 1 महीने का स्केड्यूल बना होता है। ऐसी लड़की के साथ तुम कैसे गुजारा करोगे? पता नहीं। तुम यहीं रह जाओ। एक और औरत भी तो है मेरी जिंदगी में, उसका क्या करूं? उसके बगैर नहीं रह सकता। और कौन? मेरी माँ। तुम भी ना बस चलो। हाँ तो भाई, क्या लेके आया वहाँ से मेरे लिए? खुद जो आ गया हूँ, काफी नहीं? तुम काफी नहीं हो। तुम्हारी जैसी शक्ल के तो सिग्नल्स पे भी 4 खड़े होते हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे होते हैं। अरे इसको भी मैं लाया हूँ, वरना ये। हाँ सच, कैसा रहा तुम्हारा वो प्रोजेक्ट जिसके लिए तुम इस बुजुर्ग को लेके गए थे? वही तो बता रहा हूँ, इन भाई साहब ने अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था और साथ में इनके बकवास ना करे। नहीं नहीं,
दुनिया में एक यही लड़की है जो तुम्हें संभाल सकती है, समझे तुम? ये तो आप लोग समझते हैं। तो तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? मुझे? देखा, उसी का फोन होगा। और पता है क्या कहेगी वो मुझे, कि आंटी इसको कुछ खिलाएं पिलाएं, इसको वहाँ का पानी रास नहीं आया है, बहुत वीक हो गया होगा। और एक अच्छी बीवी बनने के लिए एक औरत में यही क्वालिटी होनी चाहिए, समझे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरदीन से बात हो सकती है? आप कौन? मैं शीमा बात कर रही हूँ, शोग्रान से। शीमा? किसी शीमा का फोन है, मैं भी आती हूँ। हेलो। पहुँच गए खैरियत से? जी। लेकिन तुम्हारी खुशबू अभी तक यहीं है, इस कमरे में। खुशबू? मेरी खुशबू कहाँ से आ गई? वो तो अरशद है जो हर वक्त अपने ऊपर परफ्यूम लगाता रहता है। परफ्यूम और लम्स की खुशबू में बहुत फर्क होता है फरदीन। हाँ शायद। अच्छा ये बताओ, अब मैं कब आऊँ? जब दिल चाहे आ जाए। जब मेरा दिल चाहे? जब कन्वीनियंट हो। आपको काफी काम भी तो करना पड़ता है। तुम्हारा कसूर नहीं है फरदीन, शहर का लहजा ही ऐसा होता है। ओके, आप कल आ जाए, मैं वेट करूँ। वंडरफुल पापा, मुझे फ्यूचर की दौड़ की तरफ लगा के आप खुद पास की तरफ जा रहे हैं। समटाइम्स आई रियली एनवी यू, आपको मालूम है, यू आर सो रिलैक्स्ड, बेफिकर। अरे बेटा, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। जा क्या हो गया भाई? अबे ये किस स्टेशन में आ रहा है?
गवर्नर हाउस गए थे इसलिए ऐसा स्टाइल बना लिया इन्होंने। रमजान कहाँ है मिस्त्री? रमजान कहाँ है? मैंने कोई लतीफा सुनाया है? मैं पूछ रहा हूँ कि मिस्त्री रमजान कहाँ है? गवर्नर हाउस गए। गवर्नर हाउस क्या लेने जाते हैं? वो गवर्नर साहब की गाड़ी में थोड़ा फाल्ट आ गया था चेक करने के। अच्छा अच्छा, मैं समझा था शायद गवर्नर साहब से मुलाकात के लिए गया। आज उसे कहना कि शाबान आया था। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है भाई? इधर किधर अपना कपड़ा खराब करने के लिए आ गए? तुम्हारे गंदे छींटे मुसलसल मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं अपने सफेद कपड़े बचाने के लिए आया हूँ। क्या मतलब है तुम्हारे? अपने बेटे को समझाओ रमजान। अगर मैंने उसे समझा दिया ना तो बहुत पछताओगे तुम। क्या किया उसने? तुम अच्छी तरह जानते हो कि क्या किया उसने, क्योंकि तुमने खुद उसे भिजवाया था वहां। वहां कहां? रमजान, मैं बेटी का बाप हूं, इसलिए तुम मेरा मुंह खुलवाकर चेस्के लेना चाहते हो। सीधा सारा बात करो और ठीक ठीक मुझको बताओ कि क्या किया है मेरा बेटा ने। तुम्हारे बेटे ने वही किया है जो उसके खून में था, और क्या कर सकता है वो किसी अच्छी हरकत के सिवा। ओए मेरा खून को कुछ मत बोलो। अच्छा, इसमें इतना गैरत इतना ताकत है कि सारा दुनिया देख चुका है। वही बाप दादा का नाम को तो तुमने रुसवा बर्बाद किए। देखो रमजान, मैं यहाँ कोई पुराने मुर्दे उखेड़ने के लिए नहीं आया हूँ। अपने बेटे को समझा दो, तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होने वाला, ये याद रखना। वही तो क्या तमाशा लगा है, यहाँ पुरानी गाड़ी खुली नाम हो रहा है तो सब खड़ा हो गया। चला जवान, मुझे समझ नहीं आता कि आज तुम कौन सा घटिया बात दे के फिर मेरे सामने खड़ा हो गया। आओ उधर साइड पे बैठ कर बात करते, आओ चलो। क्या बात है, मुझे बताइए ना क्या हुआ? उसी का तरफदार है ना? क्या हो गया, क्या क्या है उसने? तू क्या, ये तुमको नहीं पता क्या क्या उसने? नहीं अर्शद की कसम, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, ये 3-4 दिन पहले किधर था वो? किधर था? इस्लामाबाद गया था ना फरदीन, क्या कुछ काम था उसको? इस्लामाबाद नहीं गया था। अरे बात तो सुने। अभी तो कमरे में नहीं है वरना मैं उसका जान निकालता। और सुनो मेरा बात, वो इस्लामाबाद में इस्लामाबाद नहीं गया था, वो शोकरान गया था वो चाबान की बेटी के पीछे। वो तुमको पता है कि जिस खबीस आदमी का मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता वो आज वर्कशॉप मेरे सामने इस तरह के खड़ा होगी। और मुझको पता है क्या कहते हैं? इतना इतना बड़ा गाली दिया मुझको। इतना कैसी गाली? वो मुझको कह रहा है कि तू मेरी बेटी के साथ अपने बेटे की शादी करा के वो जायदाद हासिल करना चाहता है जिसका बंटवारा कराया था मैंने। खुदा को कसम उसको कसम, मेरा मीटर यूं यूं घूम रहा है। वो सुनो मेरा बात को, वो आए ना तेरा लड़का, उसको अच्छी तरह से समझा दो। अगर आइंदा उसके जबान के ऊपर शाबान के बेटी का नाम भी आया ना तो इस उम्र खुदा के कसम मेरा हाथ उठ जाएगा। नहीं मैं बस समझा दो उसको, बस समझा। मैं नजर तुझ पर नहीं पड़ी, इतना पिटता ना इतनी मार लगाते कि खाल उतर जाती। मैंने तो तेरी झूठी कसम खा ली थी, अब सबका उतारना पड़ेगा मुझे। मैं छुप गया था
उनकी आवाज सुनकर। ये जिद छोड़ दे, उस लड़की का पीछा छोड़ दे, इन दोनों भाइयों के जीते जी ये नामुमकिन बात है। अल्लाह सलामत रखे तुम्हारे बाप को। मैं भी जीते जी किसी और से तो शादी नहीं कर सकता, गुलमिना के सिवा मेरी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं आ सकती। पूछो